ओम मां गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट विषय पर वार्ता करने के लिए। आपको मेरी वार्ता पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जिसे उनको भी लाभ हो, और जाते जाते जो नए आए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट करें, और कमेंट में जो चाहें लिखें, और कुछ नहीं लिखना है तो कम से कम श्री गणेशाय या महादेवाय महा गणेशाय नमः ही लिख दें, जिससे आपका कल्याण जरूर होगा। तो मित्रों मेरी चर्चा देखिए क्या विषय क्या है आज का। देखिए अभी क्या हो रहा है, 16 अक्टूबर को मंगल शिफ्ट हो जाएंगे मिथुन राशि में, उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा, वो मैं चर्चा अलग कर चुका हूँ। और देखिए 17 को सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे, 18 को जो है शुक्र भी शिफ्ट हो जाएंगे आगे तुला राशि में, 26 तारीख को बुध भी आ जाएंगे तुला राशि में, उससे पहले ही जो है अक्टूबर की 23 तारीख को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, कहाँ मकर राशि में ही। और शनि मार्गी होकर मार्गी मार्गी चलते रहेंगे जब तक 17 जनवरी 2023 तक, जब वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन शनि पर अभी जो क्या हो रहा है, शनि की अब वृद्धावस्था आ रही है और शनि अंश ज़्यादा होते जा रहे हैं, और ज़्यादा अंश होंगे, जितने जितने अंश बढ़ते जाएंगे उतने उतना वो निष्क्रिय होते जाएंगे। तो अब जो है शनि जो है करीब आजकल शायद करीब 20 डिग्री पे होंगे और आगे बढ़ेंगे 21-22 इस तरह से जाते जाएंगे और 30 तक अस्त हो जाए ख़त्म हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। तो शनि अब निस्तेज होते जा रहे हैं, शनि का असर कम होता जा रहा है, यानी वृद्धावस्था कहते हैं उनको। तो शनि से जो लोग वहाँ घबरा रहे थे या शनि जो नुकसान कर रहे थे वो कम हो जाएगा। तो ये समझ लो शनि भी एक तरह से लाभ, कम नुकसान करेंगे तो लाभ ही दे रहे हैं। तो अब और क्या देखिए राहु क्या हो रहा है। राहु जो है राहु कहाँ पे है, देखिए राहु तो मंगल में, मंगल की राशि यानी मेष में है, और राहु जो है 17 अक्टूबर से 20 फरवरी तक। राहु कहाँ है, शुक्र के नक्षत्र में यानी भरणी नक्षत्र में मेष राशि में बैठे हैं। और देखिए राहु की डिग्रियाँ जो हैं, राहु चूँकि बकरी उल्टे चलते हैं तो 30 डिग्री से शुरू होते होते कम होते जाते हैं, और जो जो कम होते जाते हैं उनकी युवावस्था आती जाती है, वृद्धावस्था अस्त अवस्था से शुरू होते होते युवावस्था में आते हैं और बाद में जाके फिर एंड में बाल अवस्था आ जाती है। तो अभी युवावस्था में सबसे ज़्यादा असर देते हैं। तो जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है कि 22 नवंबर के आसपास यानी अगले महीने नवंबर में वो करीब करीब 18 डिग्री पर होंगे, आजकल करीब मान लिए 19-20 पे होंगे शायद। तो अभी राहु जो है क्या है युवावस्था में आ गए हैं, 18 पे तो बिल्कुल युवा हो जाएंगे, 10 से 20 तक मान लीजिए, 10 से 20 तक बीच की अवस्था है उसमें युवावस्था है, और बड़ा अच्छा जोर ताकत होती है युवा आदमी में, तो अच्छा फल देते हैं। तो राहु अब जो है प्रबल हो रहे हैं, ज़्यादा तेज हो रहे हैं, शनि वीक हो रहे हैं, तो राहु जो है अच्छा असर करेंगे। जो राहु 1.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं तो राहु तो भाई इस समय बहुत ही बढ़िया असर करेंगे। और राहु देखिए 23 अक्टूबर 2022 अभी से ही लगा लीजिए, मैं जब ये सब ग्रह शिफ्ट हो गए प्लेनेट, केवल बुध रह गए, बुध भी आएंगे बाद में, लेकिन 23 अक्टूबर से जब शनि चले गए कुंभ में, शनि मकर राशि को छोड़ गए, उसके बाद से स्थितियां कैसी बन रही हैं, 23 अक्टूबर
से 2022 से अक्टूबर 2023 पूरा एक साल अक्टूबर 2023 तक राहु रहेंगे मेष राशि में, उसके बाद फिर वो उल्टे चलते हैं तो उसके बाद फिर वो मीन में आएंगे। और जैसा मैंने कहा 22 नवंबर से 22 नवंबर 2022 से करीब क्या कहें कुछ मार्च लगा लीजिए कुछ मार्च 22 नवंबर से मार्च तक वो युवावस्था में रहेंगे, मतलब मार्च में जाकर के वो करीब 12 डिग्री पे आ जाएंगे। अभी 20 डिग्री पे हैं, 22 नवंबर से करीब आ जाएंगे वो 18 पर और मार्च में आ जाएंगे वो करीब 12 पर। तो ये पीरियड कब से 22 नवंबर से लेकर के और मार्च तक का करीब डिग्री जो है उनकी 16 मार्च तक का, शायद 22 नवंबर से 16 मार्च तक का उनके अंश बल क्या होंगे 18 से लेकर के 12 तक पूरा जवानी की अवस्था। अभी 19 पे समझ लीजिए। तो अभी भी वैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर 22 से ही 23 अक्टूबर से जैसे शनि ट्रांसफ़र हुए और ग्रहों की स्थिति चेंज हुई तो राहु जो है अभी ही लगा लीजिए 23 अक्टूबर 2022 से ही लगा लीजिए अक्टूबर 2023 एक साल तक राहु क्या करेंगे भाई, यानी युवावस्था में रहेंगे और फिर धीमे 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 बाल्यावस्था की तरफ जाएंगे। लेकिन पूरा अक्टूबर 2023 तक मत लगाइए, बीच में लगा लीजिए, यानी अक्टूबर में तो बहुत बच्चा हो जाएंगे बाल, लेकिन करीब की 20 फरवरी तक वो रहेंगे करीब 14-15 अभी अंश बल डिग्री, और मार्च तक 12 में पहुंच जाएंगे शायद। तो लगा लीजिए आप 16 मार्च तक जो है, मैं तो लगा रहा हूँ 16 मार्च तक, 20 फरवरी तक तो वो कहाँ रहे, भरणी नक्षत्र में रहे, शुक्र के नक्षत्र में रहे। तो अभी देखिए शुक्र का नक्षत्र में रहे 20 फरवरी तक तो शुक्र का असर भी पड़ेगा राहु के ऊपर, क्यों तो राहु शुक्र के नक्षत्र में है। और देखिए मंगल जब आ गए मिथुन राशि में और राहु हैं मेष राशि में, तो राहु के मेष राशि से 1, 2, 3 मंगल 3 और मंगल से मिथुन से गिने राहु को तो 11, तो 11-3 या 3-11 का योग बन रहा है मंगल का और राहु का। तो एक तो राहु यंग हो गए बहुत ताकतवर मजबूत हो गए, प्लस मंगल का भी और राहु का संबंध जो है 3-11 का हो गया जो बड़ा अच्छा होता है। तो कुछ राशियों के लिए 3-11 का संबंध राहु का मंगल का अच्छे अच्छे जगह में होगा, वो बहुत अच्छा फल मिलेगा। राहु अपना फल देंगे, राहु जवान हो रहे हैं पूरी ताकत के हो रहे हैं तो राहु जहाँ जहाँ बैठेंगे उसका फल देंगे, और मंगल के साथ 3-11 का संबंध बन रहा है जहाँ जहाँ राशि में उसका मंगल का असर देंगे। प्लस शुक्र जो है शुक्र के भरणी नक्षत्र में है कब तक, फरवरी तक, 20 फरवरी तक, तो शुक्र का भी असर आएगा। तो शुक्र कहाँ बैठे हैं और शुक्र की दोनों राशियाँ दूसरी राशि सातवीं राशि कहाँ बैठी है उस सब का असर आएगा। तो इस समय राहु महाबलवान हो गए, भरणी नक्षत्र के राहु शुक्र का उच्च का होना और शुक्र के भरणी नक्षत्र में 20 फरवरी तक राहु का रहना, मंगल से 3-11 का संबंध, भाई कमाल हो रहा है। राहु मंगल शुक्र इस समय सब मिलकर के कुछ राशियों को तो फिर मैं कहूँ महाधनी अतिधनी अरबपति करोड़पति कह लो, यानी महाधनी अतिधनी धनी बना रहे हैं। तो मैं केवल उन राशियों की चर्चा करूँगा जो राहु के और मंगल के 3-11 के संबंध से और शुक्र की, शुक्र भी चूँकि राहु के सामने बैठे हैं साथ में तुला राशि में और राहु मेष राशि में तो आमने सामने हैं, उसका भी राहु पर शुक्र का असर पड़ रहा है और शुक्र की राशियां जहाँ उच्च की हैं उनका असर पड़ेगा।
तो मैं यही सब चर्चा करने आया हूँ। चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। और अब मैं संक्षेप में करूँगा बातचीत, क्योंकि हर राशि के बारे में बात करूँगा, कि उन्हीं राशियों में बात करूँगा जहाँ 3-11 का अच्छा संबंध बन रहा है, जहाँ शुक्र की अच्छी दशा पड़ रही है, जहाँ राहु अच्छा बैठे हुए हैं। तो वही कुल राशियाँ देखिए, जो राशियाँ लाभ पा रही हैं बहुत ज़्यादा, केवल उन्हीं राशि की चर्चा करूँगा मैं। तो मेरे हिसाब से वो 6 राशियाँ हैं, अब उनको बताऊँगा उन 6 में से कौन सी महाधनी है, कौन सी अति धनी है, कौन सी क्या है। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी चर्चा। देखो अभी पहली राशि जो बता रहा हूँ मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि वालों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों खुश हो जाओ, क्यों आपके लिए मिथुन राशि के लिए राहु कहाँ बैठे हैं, 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव, लाभ का भाव में राहु बैठे हैं, और राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं, 3रे में, 5वें में, 7वें में। 11वें भाव में बैठकर राहु 5वें भाव को भी देख रहे हैं, 7वें भाव को, 7वें भाव को भी देख रहे हैं राहु। भाई वाह, क्या कह रहे हैं, यानी परिवार को देख रहे हैं, पति पत्नी को देख रहे हैं और संतान को देख रहे हैं। तो संतान का सुख, संतान को लाभ, परिवार को पति पत्नी के बीच में अच्छा लाभ। और देखिए मंगल कहाँ है, मंगल है पहले भाव में, यानी राहु कहाँ है, राहु जो है, राहु मिथुन राशि के लिए राहु कहाँ है, मिथुन राशि के लिए मिथुन राशि के लिए राहु पड़ गए कहाँ, 11वें भाव में, मिथुन राशि लग्न में है तो 11वें भाव में पड़ गए। और मंगल 16 अक्टूबर से मिथुन में ही आ गए, तो मंगल कहाँ आ गए, लग्न में आ गए। तो लग्न के मंगल यानी, और राहु 11वें भाव से, तो 11 का संबंध हो गया। तो राहु का मंगल का 11वें भाव में और पहले भाव में लग्न में मंगल, तो 3-11 का अच्छा संबंध हो गया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और मंगल की दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं, देखिए 6 भाव पे, 11वें भाव पे, बहुत जबरदस्त। और देखिए शुक्र कहाँ है, शुक्र है तुला राशि में। तुला राशि कौन से भाव में है, 5वें भाव में, संतान के भाव में, संतान का सुख। और तुला राशि की खुद तुला शुक्र बैठे अपनी राशि में, तो एक राशि तो पंचम में हो गई और एक राशि 12वें में है। तो शुक्र भी पंचम में बैठ करके मंगल का लग्न में, मंगल का लग्न भाव में बैठ गया, पहले भाव में बैठ करके 3-11 का संबंध शुक्र का, 3-11 का संबंध राहु का, मंगल का, और शुक्र पंचम भाव में, शुक्र की बड़ा बड़ी जबरदस्त उच्च के शुक्र तुला राशि के, तो पंचम भाव में बैठ करके 11वें भाव में राहु आमने सामने देख रहे हैं, बड़ा जबरदस्त योग लग रहा भाई। तो उच्च के राहु, 3-11 का मंगल का संबंध, शुक्र का दृष्टि, सब कुछ मिला करके मिथुन राशि को तो महाधनी बना रही है। मिथुन राशि आप पर पूरी कृपा हो रही है, राहु की, मंगल की, शुक्र की, आप तो बड़े खुश हो जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आराम कीजिए। मिथुन राशि टॉप पे है। दूसरी राशि जो तुला राशि मैं ले रहा हूँ, तुला राशि के लिए, तुला राशि का मतलब, तुला राशि में तो बुध और सूर्य शुक्र सब है ये, तो वहाँ पर जो है तुला राशि में तो कौन से खाने में, तुला राशि भाई सातवें राशि है ना, तो तुला राशि लग्न में जब आ गई तो सातवें में हो गए ना। तुला राशि में राहु, तुला राशि के लिए राहु कहाँ बैठे भाई, राहु पहली राशि में है, तुला राशि लग्न में आ गई यानी पहले भाव में, तो राहु पहुँच गए 7वें भाव में, परिवार के भाव में। तो तुला राशि के लिए, तुला राशि जब लग्न में आ गई तो 7वें भाव में राहु पहुँच गए। हालांकि सप्तम दृष्टि से तुला राशि को देख रहे हैं जहाँ पर सूर्य शुक्र और केतु सब बैठे हुए हैं, पर राहु सप्तम भाव में बैठ करके उनकी दृष्टियाँ 11वें भाव में, पहले भाव में जा रही हैं, 3रे भाव में जा रही हैं। मंगल देखिए कहाँ है, मंगल 9वें भाव में है मिथुन राशि, राहु कहाँ है मेष राशि में, 7वें में, तो मंगल कहाँ गई,
तीसरी राशि कहाँ गई, नवम भाव में। तो मंगल बैठे हैं भाग्य भाव में भाई, और भाग्य भाव से और सप्तम भाव से 3-11 का संबंध बन गया। मंगल भी उच्च के बैठे हैं, मंगल की दशियाँ जा रही हैं धन भाव में और परिवार भाव में। नवे भाव से मंगल दूसरे भाव को देख रहे हैं, सातवें भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं मंगल, परिवार भाव को देख रहे हैं मंगल, और 3-11 का संबंध बना रहे हैं राहु से। क्या कहने भाई। और शुक्र कहाँ है भाई, शुक्र तो तुला राशि में है, तुला राशि लग्न में है, तो शुक्र सूर्य बुध सब कुछ केतु लग्न में बैठे हुए हैं, राहु सप्तम भाव में है। क्या कहने भाई, राहु मंगल, राहु पहली राशि में है ना, तो सप्तम भाव में। तो और देखिए मंगल शुक्र की राशि जो पहली एक तो लग्न में है, दूसरी अष्टम भाव में है। तो शुक्र की एक राशि लग्न में, मंगल का भाग्य भाव में बैठना और राहु का सप्तम भाव में बैठना, मंगल से 3-11 का संबंध बनाना, ये सब कुछ तुला राशि के लिए वाह बल्ले बल्ले हो रही है। तो राहु के अति बलि राहु अति धनवान बना रहे हैं, महाधनवान बना रहे हैं। महा नहीं कही है, अति कह दिए। जितना मिथुन राशि के लिए था बढ़िया, उतना बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मिथुन राशि के लिए महा महाधनी योग था, तो तुला राशि के लिए अति धनी कह देता हूँ मैं। वृश्चिक राशि आई अगली, जिसके लिए राहु बैठे छठे भाव में, छठे भाव में राहु बैठेंगे दसवें भाव पर दृष्टि जाएगी और दूसरे भाव पर दृष्टि जाएगी और बारहवें पर जाएगी। तो दूसरा भाव धन का भाव, राहु धन भाव को देखेंगे, राहु लाभ भाव को देखेंगे, सप्तम राहु छठे भाव में बैठ करके, छठे भाव के राहु बैठ करके रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, जातक को अति बलि बनाएंगे, शत्रुओं को भगाएंगे, सारे कोर्ट केस कचहरी केस में जीत जाएंगे, राहु की कृपा होगी जातक के ऊपर। और मंगल का 3-11 का संबंध बन रहा है, मंगल कहाँ अष्टम भाव में है, मंगल की दृष्टियाँ पहले भाव में छठे भाव में है, और शुक्र कहाँ बारहवें भाव में है, और शुक्र की राशि एक बारहवें भाव में एक सातवें भाव में। तो शुक्र भी अच्छे, बारहवें भाव थोड़ा खर्चीला भाव होता है, सारे ग्रह वहाँ बैठे हुए तो खर्चा तो होगा, लेकिन विदेश से बहुत लाभ होगा, विदेश से तरक्की होगी, विदेश से व्यापार तरक्की होगी, विदेश जा सकते हो, विदेश में काम अच्छा सेट हो सकता है, विदेश में नौकरी, विदेश में व्यापार, तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा है ना वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मैं क्या कहूँ, अति धनी कह देता हूँ, मतलब अच्छा योग है। जितना बढ़िया मिथुन का था उतना बढ़िया तो नहीं है, पर तुला और वृश्चिक का करीकुल एक सही है। अब तीसरी राशि जो कि धनु राशि है, इसके लिए देखिए राहु कहाँ बैठेंगे, पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का भाव, संतान को सुख, संतान को लाभ, संतान की तरक्की, और दृष्टि पड़ रही है राहु की कहाँ, एक दृष्टि पड़ रही है ग्यारहवें भाव में, राहु की दृष्टि एक पड़ रही है नवें भाव में, पंचम भाव से पहला नवें भाव में, नवा भाव भाग्य का भाव। तो राहु भाग्य को देख रहे हैं, भाग्य बढ़ा रहे हैं, अति बलि राहु, महाबली राहु, यंग राहु, यंग मतलब अच्छी अंश बल के 18-19 डिग्री के राहु, ताकतवर राहु क्या कर रहे हैं, भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं, भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं धनु राशि के लिए। और देखिए कहाँ हैं, पंचम में बैठ करके नवम में दृष्टि, ग्यारहवें में दृष्टि, लाभ भाव में भी और लग्न में भी दृष्टि, भाई वाह। और मंगल कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में, तो नवम पंचम भाव से सप्तम भाव में फिर 3-11 का योग बन गया, 3-11 का महायोग, इसमें लाभ मंगल और धनु धनु राहु का जो बन गया भाई, क्या कहने। और मंगल की राशि जो है, मंगल की राशि, मंगल बैठे सप्तम में हैं, मंगल की दृष्टि जा रही है, या मंगल की राशि कही है आप, मंगल के यहाँ सप्तम में बैठे हैं ना, तो बारहवें में पाँचवें में असर हो रहा है उनका, और शुक्र बैठे हैं ग्यारहवीं राशि, ग्यारहवें भाव में, तो ग्यारहवें भाव से दूसरी राशि शुक्र की कहाँ है, तुला राशि छठे भाव में है। तो शुक्र भी ग्यारहवें भाव में बैठ करके, यानी लाभ भाव में बैठ करके, मंगल सप्तम परिवार भाव में बैठ करके, धनु राशि के लिए राहु पंचम में बैठ करके, मंगल से 3-11 का संबंध बना रहे हैं, शुक्र का अच्छा योग बन रहा है,
शुक्र की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, सूर्य की, शुक्र की, सबकी। तो भाई धनु राशि के लिए तो देखो, क्योंकि पांचवें भाव में बैठे हैं, नवे में दृष्टि है, ग्यारहवें में दृष्टि है और पहले में दृष्टि है। दृष्टियाँ तीनों ही बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त। और मंगल भी जो है लग्न में बैठे हुए हैं, 3-11 का समूह बन रहा है। मंगल जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो धनु राशि के लिए तो भाई बाबा क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त योग है। तो धनु राशि के लिए भी मैं शुभ, दृष्टियाँ भी अच्छी हैं और बैठे भी संतान भाव में हैं। ग्यारहवें भाव में शुक्र हैं, शुक्र जो 11वें भाव से बैठकर क्या करेंगे, लाभ ही लाभ देंगे भाई, ज़बरदस्त। लाभ का मतलब धन, धन आएगा तभी तो लाभ आएगा। तो धनु राशि को भी मैं महाधनी राशि मान रहा हूँ, मिथुन राशि की तरह ही। अब अगली राशि जो है मकर राशि है। मकर राशि के लिए देखिए, राहु आए 4थे भाव में और राहु की दृष्टियाँ पड़ रही हैं 10वें में, 8वें में, 12वें में। मंगल 6ठे भाव में है मकर राशि के लिए, और मंगल की दृष्टि 11वें में और 4थे में, और 3-11 का संबंध बन रहा है 4थे भाव से 6ठे भाव से। शुक्र कहाँ है, कर्म स्थान में 10वें भाव में, और उनकी दूसरी राशि कहाँ है, तुला राशि, तो 10वें में है, और नहीं, हाँ, तुला राशि 10वें में है और वृषभ राशि 5वें में है। तो शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, शुक्र भी 10वें भाव में बैठे हैं तो मालव्य राजा भी बन रहा है, केंद्र में है भाई, वाह क्या कह रहे हैं। तो मकर राशि के लिए भी लाभ ही लाभ है। मकर राशि भी देखिए, चतुर्थ भाव में बैठकर सुख साधन मिल रहे हैं, भूमि भवन बगला गाड़ी सब मिल रही है, माता का आशीर्वाद मिल रहा है, माता का कृपा मिल रही है, और 4थे भाव से 6ठे भाव में मंगल हैं। तो 6ठे भाव के मंगल भी जातक को अति बलवान, निरोगी काया, हृष्ट पुष्ट शरीर, रोग ऋण से मुक्ति, उदर विकार भाग जाएगा, और 6ठे से दृष्टि सप्तम दृष्टि जाएगी 12वें में, तो वो भी विदेश से तो लाभ हो ही होगा, बहुत ज़बरदस्त। और देखिए अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए मैं 3रे भाव में बैठे हुए हैं राहु, खराब ग्रह खराब भाव में बैठ करके उसका फल देते हैं। तो 6ठे भाव में बैठे, 3रे में बैठे, तो इसमें भी जो है थोड़ा परिश्रम तो कराएंगे जातक से, लेकिन लाभ ही लाभ है, यात्राओं से लाभ, भाई बहनों से लाभ। और दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 7वें में, 9वें में और 11वें में। तो राहु की दृष्टि कुंभ राशि के लिए 7वें भाव में, परिवार में, 9वें में, भाग्य भाव में, 11वें में, लाभ भाव में, तीनों दृष्टियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। और मंगल का 3-11 का योग बन रहा है पंचम, मंगल बैठे हैं 5वें में। और शुक्र कहाँ हैं, शुक्र हैं भाई 9वें भाव में, भाई वाह, सप्तम राशि। तो 9वें भाव में तो कुंभ मतलब 3रे भाव से दृष्टि जाएगी राहु की, और 9वें भाव से शुक्र, सूर्य की और बुध की सबकी दृष्टि पड़ेगी राहु पे। तो शुक्र जो है, शुक्र की राशि दूसरी कहाँ है, 4थे भाव में। तो शुक्र की राशि भी और शुक्र की स्थिति भी और मंगल का राहु का 3-11 का योग और मंगल की स्थिति 5वें में, शुक्र की स्थिति 9वें में, बहुत ज़बरदस्त योग बना रही है। तो कुंभ राशि वालों भी राहु अति बलि राहु की कृपा से अति धनी हो रहे हैं। तो ये देखिए 3 और 3, 6 राशियाँ निकली कुल मेरे हिसाब से, बाकी राशियों में उतना अच्छा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इनको समराइज कर दूँ। देखिए मिथुन और धनु दो राशियाँ, तो ये धनु के लिए देखिए बृहस्पति भी और शनि की भी कृपा है धनु राशि के ऊपर। तो बृहस्पति क्यों, धनु बृहस्पति की राशि है ना, इसलिए बृहस्पति भी हंस महापुरुष राजा को बना के बैठे हैं और शनि की भी कृपा है। तो धनु और मिथुन दो राशियाँ तो टॉप पे नंबर पर हैं, महाधनी कहो, अरबपति कहो, कुछ भी कहो, मतलब जो जहाँ पे है अगर लखपति व्यापार में है तो वो करोड़पति बन जाएगा, और करोड़पति पार्टी है तो अरबपति पार्टी बन जाएगी। ये टाइम जो है राहु का अति बली होने का, यानी मैं समझता हूँ 17 अक्टूबर के बाद से लेकर के 20 फरवरी तक जब तक वो भरणी नक्षत्र में है, उसके बाद 16 मार्च तक जब तक वो यानी
डिग्री के हिसाब से, जब तक जवान रहते हैं तब तक, यानी 12 डिग्री तक आएंगे। 16 मार्च को 12 डिग्री पे होंगे और 22 नवंबर को वो 18 पे होंगे। तो ये पूरा ताकत स्ट्रॉन्ग राहु है। तो ये देखिए, मिथुन और धनु तो महाधनी, और बाकी जो चार राशियां हैं, कुंभ हो गई ना, और वृश्चिक, कुंभ, वृश्चिक, मकर और तुला, ये चार राशियां थोड़ा सा नीचे कर दूं, 19-20, ये अति धनी राशियां हैं। वो महाधनी है दो, मिथुन और धनु, तो ये चारों तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये क्या है, अति धनी है। 19-20 है, वो 20 तो ये 19, थोड़ा सा फर्क है। तो मित्रों, ये छह राशियां अब अति बली राहु के कारण मार्च तक, जब तक राहु 12 डिग्री तक जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएंगे, थोड़ा ताकत कम होती जाएगी। आगे भी मतलब फायदा तो करेंगे, लेकिन ये डिग्री कम होती जाएगी तो थोड़ा कम करेंगे। पर इस समय 20 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक अच्छा यंग यूथ, जवान राहु, ताकतवर राहु। शनि कमजोर हो गया, शनि की दुष्टता कम हो गई, और बाकी शुक्र, मंगल और राहु मिलकर के इन छह राशियों को धन धान से परिपूर्ण करना है, जिनमें दो राशियां जैसे मैंने बताया मिथुन और धनु महाधनी हैं, और चार राशियां तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये अति धनी राशियां हैं। तो मित्रों, मैं अभी यहाँ विराम लूँगा, आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा, लेकिन आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट्स में श्री गणेशाय नमः, महागणेशाय नमः, पार्वती नंदनाय नमः, कुछ भी लिखिए, हर हर महादेव, जो आप चाहे लिखिए, और आप कुछ कहना चाहते तो कहिए। आपको कुछ मैसेज भेजना है तो मैसेज व्हाट्सएप पे, नो टॉक्स, नो वीडियो कॉल, नो ऑडियो कॉल, ओनली मैसेजिंग। तो मित्रों, मैं यहाँ विराम लूँगा, नमस्कार।